ट्रेलर जो कहता है वही फिल्म भी कहती है। जो ट्रेलर है वो हिंदुत्व के सार की बात करता है, हिंदुत्व के उदय की बात करता है और राष्ट्रवाद की बात करता है, और हमारी फिल्म भी उसी की बात करती है। नहीं बिल्कुल, ट्रेलर तो कटा तो फिल्म से ही है, तो जो कुछ भी ट्रेलर में है वो सब कुछ फिल्म में है, और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि सबको पसंद आए। इंटेंशनल अनइंटेंशनल कुछ नहीं था, हमारी भावनाएं जो हमने ओत प्रोत करके फिल्म के ट्रेलर में आप लोगों के सामने रख दी, दर्शकों के सामने रख दी, वैसे ही फिल्म में हम सबकी जो सच्ची भावना है राष्ट्र के प्रति, हमने उसको अपनी आत्मा के साथ सभी के सामने रखा है। अब ये देश के ऊपर है, जनता के ऊपर है कि वो कैसे इस राष्ट्रवाद को समझते हैं और कैसे इस राष्ट्रवाद को अपने जीवन में निहित करते हैं। बहुत ही एक्साइटेड हैं और नर्वस भी उतने ही, आई थिंक नर्वस थोड़े से ज़्यादा है। मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। फ़ोन पर बात कर रहे थे यार, बहुत नर्वसनेस हो रही है, पेट में बटरफ्लाइज हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एग्जाम, यू नो, एग्जाम से पहले वो जो फीलिंग होती है बस वही है, मज़ा आ रहा है। बस वो पास हो जाए उस एग्जाम में। हाँ बिल्कुल, तीनों की हालत एक जैसी ही है इस वक्त, और जैसी होती है रिलीज़ के पहले सभी कलाकारों की, मेकर्स की, वैसी ही है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे भारत की जनता इस हिंदुत्व को अपनाएगी, और जैसा हमने अभी तक रेस्पॉन्स देखा है तो उससे विश्वास थोड़ा ज़्यादा है और नर्वसनेस थोड़ी कम। वो कॉल ऑफ द नीड है, कॉल ऑफ द आवर है, कॉल ऑफ द नेशन है, एंड मुझे लगता है ये बहुत करेक्ट टाइम पे हम रिलीज़ करने जा रहे हैं, और भगवा रंग हमारे देश में चढ़ चुका है, और हिंदुत्व ये फिल्म ये साबित करती है कि ये अब हमेशा के लिए रहेगा। मुझे ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा था, और आशीष अपना दोस्त है तो मैं, हम लोग उसको सपोर्ट करने आए हैं, तो मुझे लगता है अच्छी पिक्चर होगी, और उम्मीदें तो बहुत है, देखते हैं अभी। अरे अब कहना क्या है, दुनिया कह रही है इसके लिए, हंगामा है हंगामा, हर जगह एक ही चर्चा है, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। फिल्म ऐसी बनी है कि लोग कुर्सी से चिपके रह जाएंगे, वो जो होता है ना फेविकोल, वो हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त, हर जगह लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, सारी दुनिया से मुझे फ़ोन आते हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि कब देख पाएंगे हिंदुत्व। तो अब सामने है, देखिए इसका मज़ा लीजिए। एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस नहीं है। जिस तरह से ट्रेलर ने पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बनाया है इस फिल्म को, उससे लग रहा है कि जिस मकसद से ये फिल्म बनी है वो मकसद पूरा होने वाला है। मैं जब भी सोचता हूँ इस फिल्म के पूरे प्रोसेस को देखता हूँ, तो बड़ा फख्र होता है मुझे करण पर। करण मेरा दोस्त है, हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में साथ साथ कोर्स किया है, बहुत पापड़ हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में साथ साथ बेले हैं। किस तरह से उन्होंने इस सब्जेक्ट को सोचा, किस तरह से उन्होंने उसको फिल्म स्क्रिप्ट में इसको तब्दील किया, किस तरह से उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा किया ताकि वो इस फिल्म को अपने हिसाब से बना सके, और हम लोगों को जोड़ा उससे, और फाइनली ये फिल्म तैयार है। अगर आप देखिए हिंदू का अतीत, तो आप पता नहीं सकते कितने साल पुराना है। इस्लाम आया 7th century में, गुरु गोविंद सिंह आए 550 साल पहले, लेकिन हिंदुत्व का जो है वो बहुत पुराना है, उसका आप पता ही नहीं कर सकते। तो हिंदुत्व जो है कोई रिलीजन नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक जो है ज्ञान है, ये एक प्रकार का प्रकाश है। अगर आप हिंदुत्व का मतलब है, हिंदू के जो तत्व होते हैं वो तत्व इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर आप उन तत्वों को अपना लें तो राष्ट्रीयता आ जाएगी, आपस में समाज में प्रेम आ जाएगा, किसी से घृणा करने का आपका दिल नहीं करेगा, आप सबको प्यार करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और आध्यात्मिक जीवन लीड करेंगे, ये हिंदुत्व का पहचान है। मेरे हस्बैंड की फिल्म रिलीज़ हो रही है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया है। आशीष के किरदार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी कि मैंने फिल्म नहीं देखी है, तो मैं भी आज आपकी जैसी आज पहली बार फिल्म देखने वाली हूँ। नहीं मतलब जब एक सपना 3 साल बाद रियलाइज़ होता है, सच्चाई बन के सामने आता है, तो इमोशनल तो होना बनता है और नर्वस भी होना बनता है,
क्योंकि हम लोगों ने कोविड के दौरान इस फिल्म को शूट किया उत्तराखंड में, और फिर उसकी पोस्ट प्रोडक्शन चली, फिर कोविड आया, फिर हम रुके, फिर चली। तो ऐसे ऐसे हमने जो बीच में हर्डल्स आए उसे पार किया और आज आखिरकार यहाँ खड़े। मैंने इस बात का ध्यान रखा कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है, तो कोई भी शब्द ऐसा ना लिखो जो भावनाओं के साथ, जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। भारत माता की। देखिए, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर धुआं निकलता है तो इसका मतलब आग कहीं लगी होगी। अगर ये बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आप लोग बोल रहे हैं, हिंदुत्व क्या है? कहा हिंदुत्व वो है, कहा राष्ट्र की रक्षा ही हमारा प्रथम धर्म है।